न्यू ग्लोबल फेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एक नई वीडियो में खुश शाम कौन कहता था पाकिस्तान सऊदी अरब के खराब हो गए हैं इमरान खान ने सारी बाजी पलट दी पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम कर गई सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया तमाम गिले शिकवे खत्म मोहम्मद बिन सलमान छोटा भाई मिलकर काम करेंगे इमरान खान उम्मत का लीडर होने का सबूत दे दिया शाह सुल्मान का भी इमरान खान को पैगाम वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे की शाह सुल्मान ने इमरान खान को मनाने के लिए क्या इकदाम उठाए और कप्तान ने कैसे सऊदी शाह की लाज रख ली नाजिन ग्राम वीडियो का आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों ऐसी गुजारिश है की वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले नाजीन सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तल्ल में कशीदगी पैदा होने के बाद अब सऊदी अरब की जानब ऐसी पाकिस्तान के शिकवे दूर करने के लिए बड़े इकदाम उठा लिए गए हैं चंद रोज ऐसी खलीजी ममालिकास तौर पर सऊदी अरब के सफी काफी ज्यादा मुतहर रहे पाकिस्तान की आला सिविल और मिल्ट्री की आदत ऐसी मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली खलीज को करने की हर मुमकिन कोशिश की जाने लगी इन सब की वजूहत ये है की सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन शहजादादान काफी मुश्किल में फंस चुका है वो पाकिस्तान के साथ बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी इस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कश्मीर के हवाले ऐसी दो टोक फैसला देने को कहा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस बात आरोप नाराजगी का इजहार किया और पाकिस्तान को दिया गया कर्ज वापस मांग लिया पाकिस्तान ने चीन ऐसी दो अरब डॉलर लेकर सऊदी अरब को वापस कर दिए और एक अरब डॉलर रवा में वापस किया जाना है और इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इसरा को तस्लीम करने के हवाले से भी काफी प्रेशर दिया लेकिन पाकिस्तान ने इस्ट्राइल की एक ना सुनी और अपनी आजादाना खारिजा पॉलिसी की तरफ कदम बढ़ा दिए गुजार के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुका की बहाली की जरूरत आरोप जोर दिया और एक दिन बाद ही पाकिस्तानियों के सऊदी अरब ऐसी एक बड़ी खुशखबरी आ गई है नाजीन गुजशत रोज ये खबर सामने आई थी की पाकिस्तानी चीन स्टोर की जानब ऐसी सऊदी अरब में भी दर्जनों सुपर स्टोर खोलने का फैसला किया गया इस फैसले आरोप पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत खुश है क्यूँकी पहले इन लाखों पाकिस्तानियों की जानब ऐसी की गयी महाना खरीदारी के बदले में करोड़ों रूपए की रकम इंडियन स्टोर के जरिए भारतीयों को जेब में जाती है तहम अब पाकिस्तानी स्टोर ऐसी खुलने ऐसी जहाँ पाकिस्तानी इन स्टोर ऐसी सस्ते दामों सामान खरीद सकेंगे वहाँ इससे पाकिस्तानी मीशत को भी बहुत फायदा होगा क्यूँकी सऊदी और दीगर लाखों तारकिन भी इन स्टोर ऐसी सालाना अरबों रूपए की खरीदारी करेंगे रियाज में पाकिस्तानी एम्बेसिकेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अजहर अली डाहर ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने इतने अरसे से इस बड़ी मार्केट को नजरअंदाज किया और तजारत बरामदाद के लिए अपनी ज्यादातर तवज्जो यूरोपी और अमरीका जैसे ममालिक मरकूज रखी तहम हम इंतजार कर रहे हैं इनके सफरी पाबंदियाँ खत्म हो पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए सालाना बरामद गुजशत कई बरसों ऐसी पचास करोड़ अमरीकी डॉलर ऐसी आगे नहीं जा सकी जबकि सऊदी अरब के लिए इंडिया की बरामदा छह अरब डॉलर और मिस्र की दो अरब डॉलर है अजहर अली ने कहा की मुल्लकत में इंडिया के आठ चीन स्टोर है जिनमें लोलो मदीना नेस्टो सेंटर पॉइंट और मैक्स वगैरह शामिल है ये स्टोर पाकिस्तानी अशिया नहीं रखते क्यूँकी तमाम अशिया इंडिया से मंगवाते हैं इन्होंने कहा की पाकिस्तानी चावल मसाला जात गोश्त और फल छोटी दुकानों पर मौजूद है लेकिन सऊदी शहरी इन दुकानों पर शॉपिंग के लिए कम ही जाते हैं पाकिस्तान चीन स्टोर को इस मौके ऐसी फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान में हुक्म के मुताबिक बड़े पाकिस्तानी चीन स्टोर के सऊदी अरब ने सरमाकारी करने पर इतफाक किया है नाजीन पाकिस्तानी चीन स्टोर पाकिस्तान में बनने वाली दीगर एशिया को भी प्रमोट कर सकते हैं सऊदी अरब ने कारोबार के लिए आठ सौ अरब डॉलर की कंज्यूमर मार्केट ऑफर करता है मशरक में सबसे बड़ी है जिसका शुमार दुनिया की बीस बड़ी मीशतों में होता है वाज रहे की सऊदी अरब ने छब्बीस लाख ऐसी पाकिस्तानी मुकीम है तहम बदकती ऐसी सऊदी मार्केट में पाकिस्तानी चीन स्टोर मौजूद नहीं है इस वक्त भारतीय सुपर स्टोर ने सऊदिया में अपनी दारी का कर रखी है तहम अब इस भारतीय अजारादारी के खत्म होने का वक्त आ गया है पाकिस्तान के बड़े सुपर स्टोर ने ऐलान कर दिया है की वो सऊदी अरब में अंकरीब सरमायाकारी करेंगे हलाल अशिया फराम करने वाला मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तानी ब्रांड्स सऊदी एशिया खुरोनोश के स्टोर पर मुहैया नहीं है क्यूँकी मुमलकत में पाकिस्तानी रिटेल चैन नहीं है तहम अब पाकिस्तानी चीन स्टोर ने सऊदिया में सरमाकारी करने की तैयारी कर ली है हुकाम ने पाकिस्तान के बड़े चीन स्टोर ऐसी कई मुलाकातें की है और उन्हें कहा की वो सऊदी अरब का दौरा करें और मार्केट का जायजा लें। अब लैदर नाहिद सुपर मार्किट सवेरा डिपार्टमेंटल स्टोर इम्तिया और अलफते के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तानी हुकाम ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं और उन्होंने सऊदी अरब का दौरा करने आरोप रजामंदी जाहिर की है नाजी सऊदी फरमा नवाओ में इसराइल को लेकर इस कदर कशीदगी पैदा हो चुकी है की शाह सुलमान ने खुद ही इसराइल के खिलाफ ऐसे बयान और इकदाम शुरू कर दिए हैं जिन्होंने वली अहद के सारे के सारे इरादों आरोप पानी फेर दिया शाह सुलमान जो की कुछ दिनों ऐसी फलस्तीन के हक में बयान देना शुरू कर चुके हैं और इसराइल को खबरदार कर रहे हैं जितनी भी ऑफर सऊदी अरब को दी जा रही है इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है शाहस्ती और कश्मीर को लेकर पहले भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके थे लेकिन अब वो खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं हाल ही में सऊदी अरब के वजर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने दारकूमत रियाज में सऊदी बादशाह शाहमान के कहने आरोप अपने उर्दनी हम मनसब एम सफ्दी ऐसी मुलाकात की जिसमे उन्होंने उर्दन के साथ इलाका मामला और दो तरफा अमूर आरोप जबरदस्त तमाम की यकीन दिहानी कराई और मसला फलस्तीन की जामिया दिया। दोनों रहनुमाओं ने खत्े में यमन समेत ऐरान तबादला और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बहरान पर तशवीश का इजहार किया नाज़ीन सऊदी वजीर खारजा ने इस बात आरोप जोर दिया की जितनी जल्दी हो सके मसला फलस्तीन का हल जरूरी है इसके बगैर खिते में अमन और पाकिस्तान के साथ सुलह किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है जबकि दूसरी जानब सऊदी अरब की वजारत खारजा ने शाह सलमान के खास हुक्म आरोप इसराइल की जानब ऐसी मकबूजाब मगरबी किनारे के में यहूदी आबाद कारों के लिए आठ सौ नए मकान की तमीर की मंजूरी को भी शदीद तन्कीद का निशाना बनाया था वजारत खा ने मुस्तरों की नई खिलाफ वर्जी करार दिया है बयान के मुताबिक के दो रियासी हल की कोशिशों के लिए खतरा है सऊदी अरब के बादशाह शाह सुलमान की जानब ऐसी मजम्मती बयान का मकसद इसराइली वजी अजम नेतन जाहू की जानब ऐसी मकबूजा गरब उर्दन में कायम यहूदी बस्तियों में आठ सौ नए रिहायशी मकान करने के ऐलान के बाद सामने आया था ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया सऊदी सहाफी जमाल खाशी कत्ल के खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर लाएगी अब तक के इस बड़े फैसले का मतलब ये है की मुमकिन तौर पर अमरीका में रहने वाले खुशोगी के वैशियाना कत्ल का बाबिता इल्जाम वलीद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आरोप दिया जाएगा और इनको ही सजा का मर्तकब ठहराया जाएगा आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने बहुत जाँच पड़ताल के बाद रिपोर्ट शाया की थी जिसमें ये वाजे कर दिया गया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल का हुक्म दिया था लेकिन ट्रंप के इकतदार में इस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं आने दिया गया अलबत् वली रद्द करते हुए इसकी अखलाकी जिम्मेदारी को कबूल किया था इसके बाद खुशोगी की मंगेतर अतिजा सेंग ने और इंसानी हकूक के दीगर कारकुनान ने जो बाइडन ऐसी इस कत्ल की खुफिया रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा की ऐसा करना एहत के हसूल के लिए पहला कदम होगा नई अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने कहा कि ट्रंप इंतजाम की जानब से इस रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा राजदारी और लाकानूनियत में रखा गया था अगर मौका मिला तो फौरी तौर पर खुशोगी कत्ल केस के मुलमान को आम पर लाया जाएगा आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चले और साथ बने बेल आईकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बसानी मिल सके शुक्रिया